इतना ही नहीं देता है प्रशासन लोग तो। सही बोल रहा है, उसको अथी गाड़ी में लेके जाइए, पकड़ो पकड़ो उसको, साजिए जाइए पुलिस, थाना हो जाएगा तो रात ही अभी केस करेंगे तो रात में उठा के ले जाएंगे। रुका गो थोड़ा सा, रुका गो तो इन का लिख लिया है सीओ का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यहाँ का चाहिए ला लो की तो इन मनमानी नहीं चले दिए थे। हम इनके यहाँ कचरा वाला फेंक जा रहा है, हम इन कहे हम इन नहीं बैठे दबोगे गाँव आने हो, हम इनके जर जमीन इतने बचल है, हम इनके जर रामगढ़ के कचरा यहाँ लाइन के फेंक पर खोन के लाने खोजा है। लोग से यहाँ पर काम करने से पहले पूछा नहीं गया कि कुछ नहीं पूछा जाता है। आओ जमीनवा दिए चाहे ना, ना बहुत टेके लग रहे तो टेके ला ले तो हो ना, ना देना तो नहीं देना है, नहीं देना है जमीन तो हो ना देना है जमीन देवे तो हम जेबे कहाँ, बाल बच्चा छुआ पुता कहाँ जाए थी, हम तो किसी तरह बुढ़ा के मर जेबे लेकिन बाल बच्चा कहाँ जाए थी। तो देख सकते हैं अभी महिलाओं में किस प्रकार का आक्रोश है, सबको एक बार में बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोहार नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मांडू विधानसभा अंतर्गत उखरबेड़वा में मौजूद है और ये जो जगह है ये कर्मा दक्षिणी पंचायत पड़ता है। आप लोगों को बता दें कि अभी यहाँ पर इस जगह में रामगढ़ नगर निगम का कुछ कार्य चल रहा है, पता नहीं यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर कचरा डंप बनाया जाएगा रामगढ़ नगर निगम का, जितना भी कचरा होगा रामगढ़ शहर का सारा कचरा इस उखरबेड़वा क्षेत्र के गाँव में यहाँ पर ला के डंप किया जाएगा। यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग भी मौजूद है, कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए इधर ग्रामीण लोगों को, और इधर पुलिस प्रशासन भी आ चुके हैं, देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पर पहुँची हुई है और तमाम सर्वे का काम भी चालू है। यहाँ पर देख सकते हैं कंस्ट्रक्शंस का भी काम चालू है, यहाँ पर जेसीबी वगैरह से पूरा ट्रेंच काटा जा रहा है आगे पीछे से हर जगह से। आइए यहाँ पर ग्रामीणों से बातचीत करते हैं कि ये लोग क्यों यहाँ पर खड़े हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कारण है जानते हैं तमाम दादा लोग से। क्या नाम हो भैया आपका? डालचंद कुमार माथो। क्या यहाँ पर हो रहा है? काम हो रहा है। काम हो रहा है हाँ। तो क्या चीज़ का काम हो रहा है यहाँ, काहे आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं? हम लोग बोलिए बोलिए बोलिए, हम लोग जमीन में कचरा गिरा रहा है, कचरा गिरा रहा है उसका विरोध। आप लोग कचरा नहीं गिराने देना, नहीं गिराना चाहते हैं, यहाँ गांव है, बस्ती है, स्कूल भी है। जी 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 जी। क्या नाम हुआ आपका? साईनाथ माथा। क्या चीज़ यहाँ काम हो रहा है, आप लोग काहे रोके हुए हैं? यहाँ तो प्लान कचरा अथी का स्टॉक करने का ही प्लान बना रहा है, अभी तो प्रलोभन दे रहा है जी कि हम लोग ये कचरा नहीं अति करेंगे, कोई इसमें पानी फिल्टर टाइप के उसमें कुछ अति करेंगे, उसके बाद हम दमोदर में गिराएंगे, तो ऐसे तो नहीं हमको संभव लग रहा है, ये तो प्रलोभन दे रहा है हम लोग को कि यहाँ गुमराह बना के हम लोग को अति करके उसके बाद हमको लगता है कि कचरा ही यहाँ डंप किया जाएगा, रामगढ़ नगर निगम का कचरा यहाँ पर यहाँ के डंप किया जाएगा। और हम लोग का जस्ट यहाँ कम करीब 50 मीटर के ही दूरी में हम लोग का गांव है, स्कूल है, सब हम लोग इसी में, हमें सुबह शाम हमारे बच्चे हमें सभी लोग इसमें आके हम लोग घूमते फिरते हैं, तो अगर यहाँ वे चीज़ बन जाएंगे तो हम लोग का तो बहुत नुकसान हो जाएगा, हम लोग यहाँ का अति क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, हम लोग तरह तरह के हम लोगों का बाल बच्चों यानी आने वाले पीढ़ियों तक का हम लोग का बीमारी फैल जाएगा, हम लोग बहुत तरह से हम लोग इसमें दिक्कत झेलना पड़ेगा। तो जब बंद करो, बंद करो, बंद करो।
देख सकते हैं इन लोग का जो जीविकोपार्जन है, इन लोग का यही खेती बाड़ी है। गांव में तो जानते ही हैं कि खेती बाड़ी करके आदमी अपना रोजी रोजगार चलाता है, लेकिन इस रोजी रोजगार को भी पुलिस प्रशासन और रामगढ़ नगर निगम के द्वारा, बी डी ओ सी ओ प्रशासन के द्वारा मिलकर जो है इन लोग का रोजी रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। इन लोगों का जिससे जीवन चलता है वो जीविकोपार्जन इन लोग से छीना जा रहा है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो विरोध करते हैं आप लोग, बंद होना चाहिए। हाँ बंद होना चाहिए, हम लोग जाएंगे कहाँ, इसी में हम लोग पूरे आश्रित है। हाँ हो तो बंद करे, पूरा पूरी बंद करे में सहमति है। अच्छा ये कई एकड़ में काम है लाल हो दादा? तोरा 4.5 एकड़ में है रहा लाल। 4.5 एकड़ में, 4.5 एकड़ में तो बहुत आदमी तो इनके जीवन पान लाल चले थे। 2 एकड़ 20-30 डिसमिल में बात हुआ था पहले, जब आम सभा हो रहा था उस टाइम 2-30 में बात हुआ था। अभी तो ले रहा है 4.5 एकड़। 4.5 एकड़। हाँ और बढ़ेगा ना, और ये बढ़ेगा धीरे धीरे, तो घुसते जा रहा है। अब बोलता है कि 71 एकड़ में हम जो है सो धावा डालेंगे। धमकी देता है सीओ वीडियो। तो ये बोल रहे कि 2 एकड़ 30 डिसमिल, तो कैसे पता चला? ये तो बोल रहे कि आम सभा हुआ, वो पहले आम सभा हो रहा था ना, उसी समय बोल रहा था कि नहीं बेल 2 एकड़ 30 डिसमिल हम काम करेंगे। उसके बाद अभी बोल रहा है कि नहीं, हम अभी प्रपोजल बनाए हैं 4.5 एकड़ का। 4.5 एकड़ उस समय मंजूरी दिए थे आप लोग? किसी समय हम लोग नहीं, प्रस्ताव आप लोग पास आया था, प्रस्ताव आया था, लेकिन अभी हम लोग कोई हमारे परिवार यानी इस गांव वाले या अगल बगल कोई इसमें मंजूरी नहीं है। आइए हम और भी यहां पर आए लोगों से जानना चाहेंगे कि ये लोग मंजूरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, सभी लोग से पूछने का कोशिश करते। का हो जमीनवा दियल चाहे? ना ना बहुत टेके लग रहे, तो टेके लाल है। तो हो ना, ना देना, तो नहीं देना है, नहीं देना है जमीन। तो हो नहीं देना है जमीन, देवे तो हम जेबे कहाँ, बाल बच्चा छुआ पुता कहाँ जाए थी, हम तो किसी तरह बुढ़ा के मर जेबे, लेकिन बाल बच्चा कहाँ जाए थी। अच्छा तो क्या दिल चाहे? ना हो ना देवे, ये कचरा गिर हमारे छुआ घूर तेरा सामने है, तो स्कूल सामने है, कुछ पैसा उसा देता लो यहाँ। हाँ पैसा के लालच, बाल बच्चा हम इनके कहाँ जेता हो, इतने जमीन हुए है। अच्छा कते दिन से तो इन जमीन हुआ रख ले रहा है? बड़ी दिन हम इनके पूर्वक कर, चार बूढ़ा बीत गए, चार बूढ़ा बीत। हाँ आज प्रशासन वाला बोल लो की हमारे जमीन लगा, बर्मा जोरा जमीन लगा लाइन है, तो यहाँ से तो इन कई साल से तो इनके पुरखा सब जमीन रखते आए ला लोग, और सरकार के कैसे ही गेलो जमीन वा? कैसे कही है, अब तो कह दे के अब तो पूरा उखर बेड़वे लिए खोज है, तो ये 4 एकड़ बोला ले। 4 एकड़ हाँ पूरा लिए ला, अब इनके कहाँ खेदड़ता है। अच्छा और भी इधर लोग है, इन लोग से भी पूछते हैं, का भैया तो इन दियल चाह है जमीन वा हो? नहीं नहीं कैसे देंगे, और हम लोग कहाँ जाएंगे, जमीन देंगे तो? खेती बाड़ी तो इन यहाँ करा है, बहुत दिन से कर रहे हैं की। तो बारी कुआ तो इन भैया दियल चाह ना दिए चाहे फिर कोई दवा किस रहा वही ना ना कोई ना, ना, ना तो देख सकते कोई नहीं यहाँ पर जमीन देना चाह रहा है। पता नहीं किस टाइम में ग्राम सभा यह हुआ था इस क्षेत्र में, पता नहीं लोगों को भी नहीं पता है, ये लोग आम सभा के बारे में भी नहीं बता पा रहे हैं ठीक से, पता नहीं किस प्रकार से आम सभा हुआ था। अभी सभी का एक सुर में कहना है कि हम लोग जमीन नहीं देंगे, इसी से हम लोग का जो है घर गृहस्थी चलता है, हम लोग का बाल बच्चा का रोजी रोजगार चलता है। और एक सवार में देख सकते वहाँ पर महिलाएं बोर्ड लगाकर पोस्टर लगाकर वहाँ प्रदर्शन भी कर रही है कि हम लोग जमीन नहीं देंगे नहीं देंगे, फिर भी यहाँ पर काम चालू है। आइए वहाँ पर कुछ महिला लोग भी वहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, उन लोग से भी बातचीत करते हैं। कुआं है रुका गो थोड़ा सा रुका गो, तो इन का लिख लिया है सीओ का मनमानी नहीं चलेगा नहीं चलेगा, यहाँ का चाहिए ला लो कि तो इन मनमानी नहीं चले दिए चाहे गो, हम इनके यहाँ कचरा वाला फेंकल जा रहा है गो, हम इन कहे हम इन नहीं बैठे दबोगे गाँव आने हो, हम इनके जर जमीन इतने बचा लाक, हम इनके जर रामगढ़ के कचरा यहाँ लाइन के फेंकल खोजो पर खोन के लाने खोजा है, पूरा मारंडू पर खोन लाने की फेंके खोजा है, यहाँ सही लगा है हमें नहीं चाहिए बैठे दबो, इनके जमीन चाहिए कि बस इतने तोर कचरा तोरा पर बस ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो, दूसरा जमीन हमको नहीं चाहिए। और तो लिख ले यहाँ प्रशासन का मनमानी नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कई गाड़ी यहाँ पर प्रशासन आये तुम तीन आए तीन गो दो तीन गाड़ी आये तीन प्रशासन गो का तोहिन के जमीन लगा और तोहिने को रोकेल का हम इनके जैसे फैक्ट्री गरीब के सतावे सतावे कितना दिन से तो इन जमीन वो करे लाल हम इनके आजा दादा से हम इनके पहले से करे लाल कितना तो हम इन जानबो नहीं कर रहे तो इतना दिन से तो इन करे आये लाल लाग जाए तो इनके पतो ना हो कि कौन पुरखा तो इनके यहाँ करते आये लाल हूँ और ये सरकार बोल लाल कि हमार जमीन लगे हम ये कर हमार जमीन लगे ओते दिन से तो इन जमीन में रख ले तो तोहिन के नहीं है लोगों की सरकार के ही हम इन के है कि सरकार में कैसे है अब हम इन आजाद तक देख ले करल तो हम इन करे ला लिए हम इनके आजाद तक लागबे करे तब और नाती पुती बाल बच्चा ही है तो हम इन कर ला।
तो देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं में किस प्रकार का आक्रोश है। सभी लोग का यहाँ कहना है, देख लीजिए, मुझे पलायन करने पर मजबूर मत करो। इन लोग का साफ कहना है कि यही इन लोग का घर गृहस्थी है, इसी से इनका बाल बच्चों का भविष्य है, इनका भविष्य है। इन लोग जीते हैं, इन लोग कहाँ जाएंगे आखिर? इस प्रकार से इन लोग का जमीन जो है हड़पा जाएगा। इन लोग का पता भी नहीं है कि इन लोग का पुरखा जो है कितनों सालों से इस जमीन पर खेती गृहस्थी करते आए हैं। आज प्रशासन आके बोल रही है कि इस जमीन पर जो है मेरा अधिकार है, हम यहाँ पर अपना मनमानी तरीके से कुछ भी काम करें। तो ये कहाँ तक सही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें किन लोगों का गलत है, ग्रामीणों का गलती है या फिर पुलिस प्रशासन या फिर जो भी ऊपर में बैठे हुए हैं नगर निगम के अधिकारी उन लोगों का। और भी इन लोग आते हैं तो जानकारी यहाँ पे नहीं देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, ऐसे ही आते हैं, अपन मन आते हैं और उसी तरह का लोग से यहाँ पर काम करने से पहले पूछा नहीं गया कि कुछ नहीं पूछा जाता है। आज भी आए तो इसी तरह, मतलब कल ही जानकारी दिए थे कि आएंगे, लेकिन हम लोग नहीं। अच्छा, 2-3 महीना पहले भी हम यहाँ के रिपोर्टिंग करके गए थे, उस समय भी आप लोग साड़ी फाड़ फाड़ के चारों तरफ गाछ में बांधे थे, उस समय भी आप लोग मना किए थे, फिर भी नहीं सुना प्रशासन, और यहाँ काम कर रहा है, जबरन काम कर रहा है, जबरन जबरदस्ती कर रहे हैं। हम लोग नहीं देना चाहते हैं कि यहाँ पे आप लोग कीजिए, आप लोग नहीं देना चाह रहे, पूरा घूर घूर के आप लोग देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप लोग नाराबाजी कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहा है लोग काम। हम लोग जेसीबी भी बंद करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं करने दे, जेसीबी बंद करना चाह रहे लेकिन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। वहाँ सामने सट नहीं देता है प्रशासन लोग, सही बोल रहा है, उसको लथी गाड़ी में लेके जाइए, पकड़ो उसको, साथ जाइए पुलिस, थाना हो जाएगा, तो रात ही अभी केस करेंगे, तो रात में उठा के ले जाएंगे। आगो तो तोहिन के जमीन लगा, तोहिने का अपन जमीन के यहाँ मना के रहा, काम कर ले लो, तोहिने कैसन बोलो हम की उठा के ले, उठा के ले जीबो तो तोहिन के केस कर देबो, तो यहाँ सारा दे के वही ला है सारा गर्म जोरा लगे, तो इन बहुत साल से ना कर ला ला आजा दादा कौन पर गया ले, तो बहुत दिन हम इन हाल ली है, अब से सब जमीन क्या उम्र बीत गया, करते करते कर रहा थी काढ़ा कोड़ी बना के, हम इन ढका पकल बीच लाए काढ़ा कोड़ी ने, अपन से तो इन बनैया कर, तो इनके भी जमीन ले ला लो, आजा दादा रखल, और हम इन हर जोती जोती, हम इनके आदमी सब हर जोते, और हम इन ढका पकन कर ले, ये देखा स्कूल अपन से खटी के लेबर कुलीन यार अपन गाछ काटी के और दाई के स्कूल बना लिया, तो छवा पुता व्यवस्था नहीं रहा, तो छवा पुता एक दो क्लास पढ़ा लिया, तो इन कोई जमीन नहीं दिल खोज ना, जमीन नहीं दिल चाहिए, हम इन जमीन छोड़ दो, काम यहाँ बंद होना चाहिए, हाँ बंद होना चाहिए, हम इन कोई से अथी नहीं कर रहे, प्रशासन के इनका करो कुछ बोला है, अच्छा कुछ बोला है, हम इनके जमीन छोड़ दो, जमीन छोड़, अगर अगर तो इनके ये पैसा उसे कुछ दे तो सरकार तो काम कर, हम इन एक आदमी पैसा लेके क्या कर भाई, पैसा ले क्या कर भाई, तो इनके क्या मांगो, जमीन के बदले अगर कहीं जमीन दे दे तो इनके अपन जगह ने जमीन, अपन जगह ये जमीन, ये जमीन चाहिए, हमें ये जमीन, तो तोहिन के यहाँ से कते दूर घर हो, यहाँ से सामने घर, हाँ एकदम सामने तो देख सकते हैं यहाँ से महज 500 मीटर बोल सकते हैं मैं, इन लोग का घर है सामने, यानी कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी में इन लोग का घर है, और समझ सकते हैं कि अगर रामगढ़ नगर निगम का यहाँ पर कचरा आया तो इन लोगों का कितना परेशानी होगा, सबसे पहले तो इन लोग का जमीन छीना जाएगा जिससे इन लोग का जीवन चलता है, इन लोग अपना जीवन फिर कैसे चलाएंगे, यहाँ कचरा फेंकाएगा तो ना तो इनका रोजगार मिलेगा और ना ही किसी प्रकार का ये लोग जमीन का उपयोग कर पाएंगे, यहाँ से सिर्फ इनको मिलेगा तो प्रदूषण, दूषित हवा, और दूषित हवा के साथ साथ में इन लोग का पूरा बड़ बीमारी आएगा, इन लोग का बच्चों का भी बड़ बीमारी होगा, क्योंकि वही गंदा हवा का सांस लेंगे, तो तमाम ग्रामीण लोग जो है ये लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं, बावजूद जो है प्रशासन सीओ बीडीओ और नगर निगम के अधिकारी लोग इन लोगों के जमीन में जो है जबरन यहाँ पर काम कर रही है मनमानी तरीके से, बिना इन लोग से कोई आम सभा लिए हुए, बिना इन लोग से राय मशवरा लिए हुए, आप लोग बताइए कि इसमें दोषीवार कौन है, ये ग्रामीण लोग दोषीवार हैं या फिर प्रशासन के लोग दोषीवार हैं, ये तो आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो के माध्यम से, अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय झारखंड। तो देख सकते हैं अभी महिलाओं में किस प्रकार का आक्रोश है, सबको एक बार में बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गरीबों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, मनमानी नहीं चलेगा।
तो इसी क्षेत्र में इन लोगों का जो है यहाँ पर जमीन था, जिस जमीन पर जो है सरकारी काम किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, यहाँ पर पता नहीं किस काम को लेकर इस पर जमीन कब्जा किया जा रहा है ग्रामीणों का। इसी जमीन पर इन लोग का जो है जीवन यापन चलता था, किंतु आज इनकी बिना मंजूरी का इस जमीन पर कब्जा कर लिया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन के लोग भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर तमाम कार्य किए जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है जारी है।